नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित मित्र मंच में राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मित्र मंच प्रमुख शरण बाबा के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय समरसता कपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने का एवं राष्ट्र को परम वैभव ले जाने के लिए प्रेरणा दी गई। वहीं युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहर है, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वह सब किया जाएगा। तो ये जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए भैया, सब लोग जापान। जो है गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षार्थ के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, भारत माता की जय। और काशी के लिए भी, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनमानस सम्मिलित है, आरएसएस के भी लोग सम्मिलित थे। जो लोग यहाँ, यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। आज आगरा में सैनिक संस्कार फाउंडेशन व समाज सेवी अनूप यादव जी द्वारा जरूरतमंद व गरीब लोगों में वस्त्र वितरण किया गया। सैनिक संस्कार फाउंडेशन आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करता है। फाउंडेशन के सदस्य LS फौजी व अनूप यादव जी द्वारा समय समय पर गरीब लोगों को राशन वितरण, वस्त्र वितरण किया जाता है। फाउंडेशन की तरफ से गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी सहयोग किया जाता है। करो ये डिस्ट्रीब्यूट। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक के सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456210424। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों व गाँव में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को 1090 वीमेन पावर लाइन,
181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर मनचलों शहदों द्वारा छेड़छाड़ व महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सतत निगरानी करते हुए व्यापक अभियान चलाया गया। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के बारा कैलवाड़ा कस्बे में वन महोत्सव समारोह रविवार को काली माता प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने किया व मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक निर्मला शहरिया रही। उन्होंने अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया तथा लोगों को भी प्रेरित किया। प्रमुख भाया ने वन महोत्सव पर बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण में सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। आज पेड़ों की निरंतर कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका खामियाजा देर सवेरे मानव जाति को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अगर वे अभी नहीं संभले और पौधारोपण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में मानव जाति को घातक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी त्यौहार, जन्मदिन हो, उसमें हमें अपने आसपास से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से अधिक पेड़ बचाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा दान वृक्ष है और एक पौधा लगाकर हजारों नहीं बल्कि लाखों जीव जंतु के ऊपर उपकार किया जा सकता है। जिला प्रमुख भाया ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने में हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। सभी कार्यकर्ताओं, मेरे बुजुर्ग, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के विकास खंड शमशाबाद के क्षेत्रफल के पास स्थित स्वास्थ्य शिविर पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले के आयोजन में जनसंख्या नियोजक संबंधी जानकारी दी गई एवं ब्लड शुगर, रक्तचाप एवं कोविड की जांच की गई। इसमें डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद रही। डॉक्टर कल्पना कटियार ने परिवार नियोजक संबंधी महिलाओं को जानकारी दी और साथ ही उपाय बताए। जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा के बारे में जानकारी दीजिए मैम। ये 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें परिवार नियोजन की विभिन्न जानकारियों, सुविधाएं एनएम के माध्यम से दी जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें कि अंतराय, माला एन आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले फैजबाग में आयोजित किया गया। यहाँ पर बीपी तथा शुगर और अन्य जाँचें भी की जा रही हैं और मरीजों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कैप्टन तारा कुस्बा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड, एटा।
उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412287579465214. पूरे भारत में नीट की परीक्षा आयोजित की गई। नीट की परीक्षा दे रहे सिद्धार्थनगर जिले के परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के लिए इस बार दूसरे बड़े शहर में नहीं जाना पड़ा, बल्कि सरकार ने इस बार सिद्धार्थनगर जिले में ही नीट परीक्षा केंद्र की स्थापना की थी। जनपद मुख्यालय के सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में आयोजित नीट परीक्षा केंद्र के बाहर सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो गया। सिद्धार्थनगर जिले के सेंटर पर आज 900 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। सिद्धार्थनगर जिले में पहली बार सेंटर बनने पर बच्चों के अभिभावक काफी खुश दिखे। अभिभावकों ने कहा कि हर साल नीट की परीक्षा के लिए उन्हें गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें होती थी और वक्त भी बहुत लगता था। लेकिन इस बार सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में सेंटर बनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम संजय जायसवाल है, मार्केट से रहने वाला। अच्छा जी संजय जी, ये बताइए यहाँ पे क्या आपका कौन है, किसको एग्जाम दिलाने के लिए आए नीट का? अच्छा संजय भाई, ये बताइए कितनी आसानी हुई है, पहली बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थनगर जिले में सेंटर बना है, एज ए गार्जियन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो बढ़िया कर रहे हैं कि घर पे पड़ा सेंटर और टाइम से अपना आगे, नहीं तो एक दिन पहले दो दिन पहले जाना पड़ता है, जाने में बहुत परेशानी, गर्मी के दिन तो और परेशानी है, जाके यहाँ पढ़ने बहुत आसानी है हम लोग। तो मतलब सरकार ने अच्छा काम किया ये? हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया सबको। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण एवं सहारा हॉस्पिटल लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में श्री आदिशक्ति मां पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन तुलसीपुर में आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस दौरान महंत देवी पाटन मंदिर श्री मिथिलेश नाथ योगी उपस्थित रहे। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भ्रमण कर चिकित्सकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को प्रदान किए जाने के निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा निशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर परीक्षण में रेफर मरीजों का सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रबंधक प्राधिकरण आपदा के समय आम जनमानस के हित में काम करने के साथ ही साथ उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में जल्द ही थारू जनजाति क्षेत्र पचपेड़वा में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिवार परामर्श केंद्र की बैठक में पारिवारिक विवाद पत्रावलियां विचारत प्रस्तुत हुई, जिसमें 8 पत्रावलियों को सफल निस्तारण संभव हुआ। परामर्श में मुख्य परामर्शदाता अरुण कुमार यादव, वंदना मिश्रा, तनवीर जहां, संजय पांडे, देवता दिन दुबे का विशेष योगदान रहा। परामर्श के पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र अधिकारी श्रीमती ज्योति केंद्र पर उपस्थित रही महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती ममता सिंह यादव एवं महिला कांस्टेबल ज्योति का सराहनीय योगदान रहा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000।